सफाई कर्मी रामसेवक से मारपीट करने वाले युवा एवं पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने पर मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने सहित अन्य मांगों को लेकर भाकपा माले ने खानपुर बाजार में किया पुतला दहन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। समस्तीपुर जिले के खानपुर बाजार में भाकपा प्रखंड कमेटी की ओर से विरोध दिवस के रूप में रोसड़ा थाना अध्यक्ष एवं पुलिस उपाधीक्षक का पुतला दहन किया गया। विरोध दिवस की अध्यक्षता भाकपा प्रखंड सचिव प्रेमानंद सिंह ने किया। वहीं पुलिस जुल्म के खिलाफ विरोध दिवस मनाया गया। वहीं सभा के माले नेता रामशंकर सक्सेना ने कहा कि रोसड़ा नगर परिषद सफाईकर्मी राम सेवक राम अपने यूनियन के माध्यम से बकाया वेतन की मांग कर रहे थे। मांग के दौरान ईओ से नोकझोंक हुई, उसके बाद ईओ द्वारा सफाई कर्मियों के ऊपर रोसड़ा थाना में मुकदमा दर्ज कराया। रोसड़ा थाना द्वारा गिरफ्तार कर मारपीट करते हुए हाजत में बंद कर दिया गया। जब हालत बिगड़ने लगा तो बिहार में नीतीश सरकार लगातार कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी का तरह तरह के कानून निकाल रहे हैं कि शराबबंदी को और टाइट किया गया है, लेकिन जितना वो टाइट करते हैं उनकी कमाई बढ़ती जा रही है। उनके जो पुलिस प्रशासन है वो खेप उतरवाती है और उससे मोटी रकम की कमाई करके और उन तक पहुंचाती है। इसीलिए शायद वो इस शराबबंदी को सख्ती से लागू नहीं कर पाते हैं, नहीं तो सरकार चाहे तो ये सख्ती से लागू हो सकती है। अगर एक शराबबंदी को सख्ती से लागू नहीं कर सकती है सरकार, तो वैसे सरकार को सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जिस शराब को पीकर हर साल शिक्षक संघ हो, किसान संघ हो, लगातार हम पिछले 16 वर्षों से देख रहे हैं बिहार में लगातार जन आंदोलन को कुचला जा रहा है। रोसड़ा में राम सेवक राम का मौत भी जन आंदोलन पर एक लाठी है। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले 3 दिनों में बिहार के अंदर जहरीली शराब से कई 40 लोगों की लगभग जान जा चुकी है। इसके जिम्मेवार भी हम बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को मानते हैं। आज उनकी जो दुलरुआ पुलिस है, उनकी जो भ्रष्ट लाडली पुलिस है, आज पूरे भ्रष्ट हो चुकी है। आज पूरे बिहार के अंदर